हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे क्लासेस। देखिए, इस वीडियो में आपको हिंदी वर्णमाला के बारे में बताया जाएगा। ये जो सिलेबस आपका यूपी टेट में दिया हुआ है हिंदी का, इसमें हिंदी वर्णमाला एक टॉपिक है जिसमें स्वर और व्यंजन पूछे गए हैं। तो क्या स्वर हैं, क्या व्यंजन हैं और उनकी क्या ध्वनियाँ हैं? स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, टोटल कितने वर्ण होते हैं, ये सब इस वीडियो में आपको दिया गया है। तो देखिए, स्वर स्वर हैं आपके अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, यानी कि बड़े ओ तक ये आपके स्वर हैं। टोटल कितने हैं? 11। छोटी अंग जो होती है उसे हम बोलते हैं अनुस्वार, और बड़ी अंग जो होती है उसे हम बोलते हैं विसर्ग। ये हमारे स्वर में नहीं आते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिए। जब भी हम स्वर काउंट करते हैं तो स्वर केवल हमारे 11 होते हैं। छोटी अंग और बड़ी अंग स्वर में नहीं आते हैं। छोटी अंग अनुस्वार होती है और बड़ी अंग विसर्ग होती है। अब है व्यंजन। व्यंजन आपका क ख ग घ ण, ये आपके कंठ होते हैं, यानी कि इनकी जो ध्वनि निकलती है वो कंठ से निकलती है। क ख ग घ ण, ये कंठ होते हैं, कंठ से इनकी ध्वनि निकलती है। इसको ये 5 वर्ण हैं, इन्हें हम क वर्ग भी कहते हैं। कि क से शुरू होता है का वर्ग, का वर्ग में कितने वर्ण आते हैं? 5 वर्ण आते हैं। नेक्स्ट है च छ ज झ ण, ये इनकी ध्वनि तालव्य होती है, यानी कि तालु से निकलती है, और इसे हम चा वर्ग भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए चा वर्ग में कौन से वर्ण आते हैं, तो आप ये चा से लेकर 5 वर्ड काउंट कर सकते हैं। च छ ज झ ण, ये 5 वर्ण हैं आपके, तालव्य होते हैं। नेक्स्ट है ट, ये से हम टा वर्ग भी कहते हैं। ट ठ ड ढ ण, ये 5 वर्ण हो गए आपके टा वर्ग में, ये होते हैं मूर्धन्य। आप इनको साउंड करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है त, त यानी कि त वर्ग, त थ द ध न, न तक, यानी कि 5 वर्ण ये ता वर्ग में आ गए आपके, ये होते हैं दंत, यानी कि जब भी आप इनको साउंड करोगे तो ये दांत से टकराएंगे। नेक्स्ट है प फ ब भ म, ये प वर्ग है आपका, प फ ब भ म, म तक, ये आपके ओष्ठ होते हैं, यानी कि जब इनकी आप साउंड निकालेंगे तो ये ओट से निकलेगी इनकी साउंड। नेक्स्ट है य र ल व, ये 4 वर्ण हैं, ये होते हैं अंतस्थ, यानी कि इनकी साउंड कहाँ से निकलती है? अंतस्थ होती है इनकी साउंड। नेक्स्ट है श श स ह, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं, इन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं, क्योंकि जब हम इनको प्रोनाउंस करते हैं, जिनकी जो साउंड निकलती है उस समय ऊष्मा निकलती है हमारे मुख से। नेक्स्ट छ त्र ज्ञ और श्र, इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। छ त्र ज्ञ और श्र, इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। नेक्स्ट है ये 2 आपके वर्ण और हैं, इन्हें हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। र और ढ, ये आपके द्विगुण व्यंजन होते हैं, और टोटल ये व्यंजन और स्वर मिलाकर अनुस्वार विसर्ग, यानी कि टोटल ये जो वर्ण होते हैं ये होते हैं हमारे 52। कितने वर्ण होते हैं ये पूरे? 52। जब आप वर्णमाला लिखते हैं, आ से लेकर ज्ञ तक बोला जाता है वर्णमाला लिखने के लिए, तो आ से लेकर जब आप ज्ञ तक लिखोगे तो उसमें आपके 52 वर्ण नहीं आते, क्योंकि ज्ञ के बाद श्र भी आएगा आपका, और ये 2 आपके द्विगुण व्यंजन हैं, ये और इसमें ऐड होते हैं हिंदी वर्णमाला में, जिसे हम नहीं लिखते हैं, तब इन्हें मिलाकर, इन तीनों को मिलाकर हमारे टोटल वर्ण 52 बनते हैं। तो ये आपके स्वर, ये अनुस्वार विसर्ग और ये व्यंजन, और ये इनकी ध्वनियाँ की, कौन से व्यंजन की ध्वनि कहाँ से निकलती है, ये आपको याद करना है, कि ये आप के नेक्स्ट टेट के एग्जाम में आना है, जो आपका प्राइमरी का सिलेबस है टेट का,
जो नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग ये आपका टॉपिक दिया हुआ है उसमें, तो ये आपको तैयार करना है। थैंक यू।